आज है हाउस हंटिंग डे वन, मेरे को कंपनी का टाइम है, मेरा बेस्ट फ्रेंड शायद पटल एज ऑलवेज, मैं इसका बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ एंड मुझे बहुत मजा आता है इसका टाइम वेस्ट करने में। इसके पास बाइक है सो कंफर्ट भी रहता है इसका टाइम वेस्ट करने में। सो फर्स्ट फ्लैट जो हमने देखा वो है बालीगंज फाड़ी के जस्ट ऑपोजिट में, नेबरहुड आप देख सकते हो, रेसिडेंशियल एरिया है, बहुत ही काम एंड पीसफुल है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं तो सेफ्टी वाइज तो काफ़ी अच्छा है, तो कम्यूट वाइज बहुत अच्छा है। स्पेस आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, 1 BHK के हिसाब से एरिया काफ़ी बड़ा है, बहुत लंबा सा कॉरिडोर है एंड कॉरिडोर के एंड पे किचन है एंड छोटा सा स्पेस है जहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं एंड बाथरूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सारी फिटिंग्स करी हुई है एंड हैंड हेल्ड शावर है यहाँ पे। नाउ कॉरिडोर से ही बहुत बड़ा विंडो लगा हुआ है, विंटिंग फेसिंग है लेकिन बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है यहाँ पे क्योंकि टॉप फ्लोर है। छत जो है वो बहुत बड़ा है, ये लोअर छत है, ऊपर एक और छत है और स्पेशियस है तो बहुत ही अच्छी हवा आती है एंड ऑब्वियसली रूफ टॉप से व्यू बहुत अच्छा है। सो अपार्टमेंट नंबर 1 जो मैंने देखा बालीगंज में, इट्स काइंड ऑफ नाइस, ऑपोजिट टू एकदम ही बालीगंज फाड़ी, तो डायरेक्टली वहाँ से ऑटो जाता है हमारे कॉलेज के लिए और बस भी जाता है डायरेक्टली जो बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल के सामने उतरता है। अब देखते हैं अपार्टमेंट नंबर 2 ऑन ब्रॉड स्ट्रीट। एकदम ही नया फ्लैट है, बाथरूम में सारी फिटिंग्स करी हुई है एंड स्पेशियस है फ्लैट, किचन जस्ट घुसते ही है रूम में एंड बिल्कुल ही नया नया पेंट हो रखा है। सो आज है डे 2 ऑफ हाउस हंटिंग, तो आज हम जाने वाले हैं असगर मिस्त्री लेन, थोड़ा सा गोबरा रोड की तरफ है, अंदर जाके थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर है थोड़ा सा मेरे कॉलेज से, बट वहाँ पे लाइक रेंट जो है वो बहुत ही कम है, लाइक 2 BHK 12-13,000 में मिल जाएगा, सो अफोर्डेबल है, सो आई एम गोइंग टू सी देम। सो दिस इज द फर्स्ट फ्लैट जो हमने देखा असगर मिस्त्री लेन में, हॉल काफ़ी बड़ा है, 2 BHK एंड रूम्स काफ़ी स्पेशियस है, बड़े हैं एंड विंडो से काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है। फ्लैट जो है वो 2nd फ्लोर पे है, लिफ्ट अवेलेबल है एंड ये 2nd रूम है, साथ में एक अटैच्ड बाथरूम है एंड विंडो से काफ़ी अच्छी हवा आती है एज यू कैन सी। वो ये है हमारा किचन जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है ऑब्वियसली एंड यहाँ पे है एक अटैच्ड बाथरूम। अब आ गए हम दूसरे फ्लैट में, ये थोड़ा अंदर जाके और असगर मिस्त्री लेन में, यहाँ पे भी लिफ्ट अवेलेबल है। ये फ्लैट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है एंड रेंट भी बहुत कम है। ये है बाथरूम, बाथरूम भी इन्होंने काफ़ी बड़ा दिया है, सारी फिटिंग्स करी हुई है एंड ये हमारा रूम नंबर 1, लैवेंडर कलर का पेंट करा हुआ है एंड साथ में अटैच्ड बाथरूम और इस बाथरूम में भी सारी फिटिंग्स करी हुई है। ईस्ट फेसिंग रूम है तो सनलाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ में एक अटैच्ड बालकनी दिया हुआ है क्लोज्ड एंड यहाँ पे नेट दिया हुआ है ताकि मच्छरों की प्रॉब्लम ना हो एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ से एज यू कैन सी। हॉल में ही प्रेजेंट है किचन एंड ये है हमारा 2nd रूम जो प्रेजेंट है। इन्होंने यहाँ पे फर्निशिंग में एक बेड और एक टेबल दे रखा है, ओनर से रिक्वेस्ट की थी कि ये बेड हटा दे, ये बेड एक्चुअली बहुत बड़ा है, एटलीस्ट 4 लोग सो सकते हैं एंड ये 75% एरिया खा रहा है रूम का, साथ में अब अलमारी भी रखनी पड़ेगी तो काफ़ी सारा स्पेस चला जाएगा, बट ओनर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्चुअली। सो आज है हाउस हंटिंग डे 3 एंड आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो है CIT रोड पे ही है वो एंड बिल्कुल एंड पे है, फिलिप्स मोड़ वोल की जगह पे है एंड टू बी ऑनेस्ट कॉलेज से थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर है, बट मेन रोड पे है तो बस जाता है बहुत इजीली, तो वो एक बहुत अच्छी बात है एंड ये मुझे एक्चुअली कॉन्टैक्ट मिला था फ्रॉम मैजिक ब्रिक्स, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मुझे ये फ्लैट बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि घुसते ही बेडरूम है, AC 2 इन्होंने दिया है, विंडोज अवेलेबल है सो वेंटिलेशन अच्छा है। फ्लैट मेन रोड पे ही है बट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि लैंडलॉर्ड जो बिल्कुल साथ वाले घर में रहता है। ये है दूसरा बेडरूम, दूसरे बेडरूम के अंदर ही किचन है, सो इट्स मोर लाइक अ हॉल देन अ बेडरूम, इट लुक्स मोर लाइक अ 1 BHK एंड ये है बाथरूम, बाथरूम में थैंकफुली इन्होंने गीजर दिया है, फिटिंग सारी करी हुई है लेकिन बाथरूम भी बहुत छोटा है, 16,000 के हिसाब से नॉट वर्थ इट। ये वो दूसरा फ्लैट जो हमने देखा, ये हॉल है, काफ़ी स्पेशियस है, मेस्ड अप है अभी क्योंकि टेनेंट्स पैकिंग कर रहे हैं। ये बेडरूम नंबर 1 स्पेशियस है, बड़ा है लेकिन विंडो जो है बिल्डिंग फेसिंग है।
ये बेडरूम नंबर टू, यहाँ पे भी विंडो बिल्डिंग फेसिंग है सो सनलाइट नहीं आता। दो बाथरूम प्रेजेंट है, एक तो ये वाला जो हॉल में प्रेजेंट है, बड़ा है, ये डाइनिंग स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, एंड ये दूसरा बाथरूम जो कि बेडरूम से एक अटैच्ड है। फ्लैट जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे है, रेंट भी कम ही है, 12,000 फॉर 2 BHK। तो आज है अनदर डे ऑफ अपार्टमेंट हंटिंग। आज भी हम जाने वाले हैं गोबरा रोड की तरफ ही। मैं सारे वहीं पे फ्लैट्स देखी हूँ क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो मेरे कॉलेज से। तो लेट्स गो। सो आज ये जो फ्लैट देखेंगे ये भी है असगर मिस्त्री लेन में, लिफ्ट अवेलेबल है। ये है ये फ्लैट, हॉल काफ़ी बड़ा है, एज यू कैन सी बिल्कुल ही न्यूली पेंटेड है। ये है बेडरूम नंबर वन, ग्रीन कलर पेंट कर दिया है, एंड इस रूम में एसी के वेंट नहीं है, एंड विंडो भी है वो भी बिल्डिंग फेसिंग है, तो सनलाइट बिल्कुल नहीं आता डिस्पाइट बीइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। ये है वॉशरूम, वॉशरूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है, बहुत रेनोवेटेड है, सारी फिटिंग्स करी हुई है। ये है हमारा किचन, किचन अच्छा है, बड़ा है, स्पेशियस है, एंड किचन में भी विंडो अटैच्ड है ऑब्वियसली। ये हमारा सेकंड बेडरूम, लैवेंडर कलर पेंट करा हुआ है, एसी के वेंट अवेलेबल है, विंडो लेकिन फिर से बिल्डिंग फेसिंग है, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है इज दैट यहाँ से एक अटैच्ड बालकनी है जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है एंड काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन होता है। अब अगर हम नेक्स्ट फ्लैट में, ये जो है एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, ओम शांति अपार्टमेंट्स नाम है, एंड आई स्वेयर मुझे प्यार हो गया इस फ्लैट से, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। एज यू कैन सी हॉल इतना बड़ा है कि इसको लिटरली एक और बेडरूम बनाया जा सकता है। वॉश बेसिन है और यहाँ पे है हमारे दो रूम्स। सो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम में आप देख सकते हो विंडो जो है वो सिटी व्यू के साथ है एंड ईस्ट फेसिंग है तो सनलाइट आता है। इसी रूम में अटैच्ड वॉशरूम भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। घर तो बहुत ही प्यारा है लेकिन 18,000 बजट से बाहर है। ये है हमारा बेडरूम नंबर टू, उन्होंने बोला है कि पेंट वेंट कर देंगे और अच्छा कर देंगे रूम को अगर हम प्लान करते हैं। यहाँ पे भी जो विंडो है ये अगेन ईस्ट फेसिंग है, सनलाइट आता है यहाँ से एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ये है हमारा वॉशरूम नंबर टू जो हॉल में प्रेजेंट है, इंडियन स्टाइल टॉयलेट है एंड हॉल में इन्होंने फर्निशिंग में बहुत बड़ा सा कबर्ड दिया है, एटलीस्ट 2% कबर्ड है ये, आराम से हम रख सकते हैं अपना सामान। ये है हमारा किचन जो कि बहुत ही बड़ा है, स्पेशियस है एंड चिमनी की फिटिंग करी हुई है जो कि मुझे अभी तक एक भी अपार्टमेंट में नहीं मिला। सो मुझे ओवरऑल ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। आज है हाउस हंटिंग डे, आई डोंट नो कितना, आई हैव लॉस्ट काउंट ऑलरेडी। तो आज भी हम जाने वाले हैं असगर मिस्त्री लेन टू फाइंड सम अफोर्डेबल 2 BHKs फॉर शिफ्टिंग। ये फ्लैट भी असगर मिस्त्री लेन में ही है, फर्स्ट फ्लोर पे है, लिफ्ट अवेलेबल है एंड बिल्कुल ही नया है, एज यू कैन सी अभी भी पेंटिंग चल रही है। रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ईस्ट फेसिंग रूम है विच मीन्स बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है एंड दोनों रूम में ही एसी की फिटिंग्स करी हुई है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है, वेंटिलेटेड है काफ़ी। सो ये है टॉयलेट बाथरूम जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सारी फिटिंग्स करी हुई हैं एंड ये है किचन जो कि बहुत नैरो है, सो 1% की जगह है। ये एक और फ्लैट देखा हमने असगर मिस्त्री लेन में, मेन रोड पे है फ्लैट लेकिन ग्राउंड फ्लोर है, ये हॉल है एज यू कैन सी काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस है। ये है रूम नंबर वन, अभी ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है लेकिन साफ़ सफाई बाकी है, पेंटिंग बाकी है, तो रूम तो काफ़ी स्पेशियस है लेकिन विंडो जो है वो ऑब्वियसली बिल्डिंग फेसिंग है तो सनलाइट नहीं आता। दूसरे रूम में ताला लगा हुआ था वो दिखा नहीं पाए एंड ये है बाथरूम, शावर लगा हुआ है, टॉयलेट है, फिटिंग्स लगी हुई है, छोटा है थोड़ा बाथरूम। सो इस फ्लैट में पहले ही घुसते सबसे पहले बाथरूम है, फिर साइड में जाओगे तो ये आपको किचन दिखेगा, किचन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट 1% के लिए इनफ है। ये है हमारा रूम, काफ़ी वेल वेंटिलेटेड है, थर्ड फ्लोर पे है सो काफ़ी ज़्यादा हवा आती है एंड लैंडलॉर्ड ने कहा था कि वो पेंट वेंट भी करवा देंगे इस रूम को। और ये है बाथरूम, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, शावर है, सब कुछ है। ये दूसरा फ्लैट जो मैंने देखा, रेंट बहुत ही कम है, जस्ट 5,000, लेकिन ये 1 RK का फ्लैट है। ये है रूम एंड ये है छोटा सा किचन और यहाँ पे है बाथरूम जो कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट है तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये एक और फ्लैट देखा मैंने, ये 2 BHK है, रेंट अफोर्डेबल है, इस रूम में ही अटैच्ड एक किचन है। मुझे ये घर अच्छा तो लगा बजट वाइज बट लोकेशन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, कॉलेज से काफ़ी दूर है एंड लैंडलॉर्ड भी बहुत स्ट्रिक्ट है, कह रही थी कि मम्मी पापा भी आएंगे तो एक दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, फ्रेंड्स नहीं आ सकते वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ा रीज़न, मुझे इंडियन स्टाइल टॉयलेट नहीं पसंद, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे।
नाउ नेक्स्ट फ्लैट में हम गए तो रूम जो है वो काफ़ी बड़ा स्पेशियस है, इतना कि आवाज़ एको होती है। रूम से निकलते ही आपको बड़ा सा एक हॉल दिखेगा, काफ़ी सुंदर है स्पेस। एंड ये पे है किचन, किचन भी काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे मिरर की भी फिटिंग करी हुई है। ये है हमारा बाथरूम जो यहाँ पे भी इंडियन स्टैंड टॉयलेट है, मे बी इस वजह से ही मैं इस फ्लैट को रिजेक्ट कर दूँ। ये फ्लैट जो है ये है 2 BHK एंड ये है हमारा फर्स्ट रूम। निकलते ही आपको एक बड़ा सा हॉल दिखेगा, ये है हमारा किचन, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है ये प्लेस। पानी भी 24/7 आता है पर फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ हमेशा एक बार। किचन से निकलने पे हमें ये दिखता है दूसरा रूम, ये है सेकेंड रूम। ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है लेकिन विंडोज़ जो है ये एक्चुअली बिल्डिंग फेसिंग है तो आई एम नॉट श्योर सनलाइट कितना आता है। ये है हमारा बाथरूम, यहाँ पे भी इंडियन स्टाइल टॉयलेट है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन अफोर्डेबल काफ़ी है, लेकिन ये मेरे कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। आई स्वेयर अभी तक मैंने जितने फ्लैट्स देखे हैं उसमें से ये फ्लैट जो है ये मेरे टॉप 3 में आता है। रूम जो है वो इतना ज़्यादा स्पेशियस है कि आराम से यहाँ पे 2 लोग तो रह ही सकते हैं। इस फ्लैट की एक और बेस्ट चीज़ की लैंडलॉर्ड यहाँ पे नहीं रहता, लैंडलॉर्ड का थोड़ा दूर रहता है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। यह है हमारा किचन, किचन भी एज यू कैन सी काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस है। नाउ यहाँ पे हमारा बाथरूम एंड फाइनली मुझे एक फ्लैट मिला जहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, ऊपर टैंकी या रिजर्वॉयर भी है तो पानी हमेशा आता रहता है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं यही फ्लैट लूंगी, मुझे बहुत पसंद आया। यह हमारा नेक्स्ट फ्लैट, ये है 2 BHK, एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। इनफैक्ट मैं अंदर जाके मुझे ऐसा लग रहा था यार ये कितना बड़ा है, यहाँ पे तो एटलीस्ट 4 लोग रहने चाहिए, इतना बड़ा है। रेंट इज ऑल्सो लेस, 8,000 फॉर दिस स्पेशियस 2 BHK। ड्रॉबैक है कि ये टॉप फ्लोर यानी कि 4th फ्लोर पे है, इसके ऊपर और कोई भी फ्लोर नहीं है, सो छत वाला फ्लोर है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड मुझे लग रहा था कि AC के बिल में ही चला जाएगा मेरा बहुत सारा पैसा। सो ये एक ड्रॉबैक है, मेरे कॉलेज से थोड़ा सा दूर है, अगेन वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा फ्लैट एंड सुंदर सी छत है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे एक छत की एक स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब मैं शूटिंग वूटिंग कर पाऊँ यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, तो छत से तो मुझे प्यार हो गया। बट छत ऑल्सो मीन्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली नीचे वाले फ्लैट में। 2,000 years later. Guys, finally, इतने महीनों के हाउस हंटिंग के बाद आज मैंने घर फाइनलाइज कर लिया है। आज मैं डीड साइन करने जा रही हूँ, डिपॉजिट देने वाली हूँ, सो इट्स फाइनलाइज। कम से कम 15-20 घर तो मैंने अभी तक देख ही लिए होंगे ओवर अ स्पैन ऑफ सो मेनी मंथ्स। फाइनली इट्स ओवर एंड हाउस हंटिंग ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है मेरा। सो इतने सारे फ्लैट्स में गाइज आपको कौन सा बेस्ट फ्लैट लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड एक और चीज, आप क्या आप गेस कर सकते हो मैंने कौन सा फ्लैट चूज़ किया है? अगले वीडियो में मैं रिवील करने वाली हूँ जो कि होने वाला है मेरा हाउस टूर। तब तक के लिए बाय बाय।